हेलो इंडियन सीरीज, क्या आपको भी लगता है कि इस ज़माने में किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? और अगर ट्रस्ट किया तो उसने मेरा अगर ट्रस्ट तोड़ा तो मैं क्या करूँगा? तो आज इस सब प्रॉब्लम का एक आसान सा सोल्यूशन निकालते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल द इंट्रो। फिर आजकल इस ज़माने में क्या होता है कि एक बंदा किसी बंदी को पहली नज़र में ही देख के उसको प्यार हो जाता है। उसके दिमाग में पता नहीं कौन सा कीड़ा चढ़ जाता है प्यार का, बिना कुछ जाने उस लड़की के बारे में। जस्ट फिजिकली बॉडी देखी और भाई को प्यार हो जाता है। जस्ट आउटलुक देखा भाई, हाँ तो भाई को प्यार हो जाता है। जब भाई को पता चलता है कि जिस बंदी से वो प्यार करता है उस बंदी का तो पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और उसको भी साथ लेके वो चलती है, तो ये देख के भाई का दिल टूट जाता है। और भाई बोलता है कि पूरी दुनिया धोखेबाजों से भरी है, सब लोग बकवास है, सब लोग धोखेबाज है इस दुनिया में, और किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अभी आप ही बोलो कि किसकी गलती है इधर? अगर बिना कुछ जाने या पहचाने ब्लाइंड ट्रस्ट करोगे तो यही होगा हाल लास्ट में जाके आपका। अभी कोई बोलेगा कि भाई बिना कुछ जाने या समझे उसी को ही तो प्यार कहते हैं, तो हीरो सुन, ये सब ब्लाइंड ट्रस्ट या प्यार, ऐसा प्यार सिर्फ 1999 में होता था, अभी ये सब नहीं होता ऐसा सब। अभी इस दुनिया में अभी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करिया तो लास्ट में जाके तुमको ही ब्लाइंड कर देगी वो, लड़का हो या लड़की दोनों के लिए है। लेकिन ये तूने इस चैनल में एंटर कर ही दिया है तो तुम्हें इस फालतू कैटेगरी में नहीं आना है और मैं आने भी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि हीरो यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ इनटू अमेजिंग पर्सनालिटी। सो ये सब फालतू काम तुम्हें तो करना नहीं है अभी। अब तक ट्रस्ट करने की बात कि ट्रस्ट करना है लोगों पे या नहीं, तो देख हीरो सुन, ट्रस्ट या विश्वास सब पे नहीं किया जाता है। पहले तो तुम अपने माँ और बाप पे ट्रस्ट करना सीखो, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे व्यक्ति है जो तुमसे कुछ नहीं चाहते और तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे जिंदगी भर। और जहाँ तक फ्रेंड्स की बात है तो सुन ध्यान से, फ्रेंड्स बोले तो सभी जो तुम्हारे फ्रेंड्स है उन सभी पे तो ट्रस्ट किया नहीं जाता है, क्योंकि भाई सब पे ट्रस्ट थोड़ी ना किया जाता है लाइफ में। देख लो, ध्यान से सुन और आज से ये दिमाग में बिठा दे कि हजारों कुत्तों से दोस्ती करने से बेहतर एक शेर से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दे तुम्हारे बुरे समय में। और हीरो, दोस्ती शो ऑफ करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए मत करना कि मेरे इतने सारे दोस्त है, मेरे कूल डूड फ्रेंड्स है जो मैं उनके साथ एंजॉय करता, मैं उनके साथ लाइफ है, मेरा सब कुछ वही है। ऐसे कूल डूड से दोस्ती करने से बेहतर जस्ट कीप वन फ्रेंड जो तुम्हारे बुरे समय में तेरे साथ खड़ा हो, क्योंकि जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा तो सभी तुम्हारे दोस्त, सभी तुम्हारे रिश्तेदार, सभी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और जब तुम्हारा बुरा समय स्टार्ट होगा तभी कोई नहीं आएगा तेरे पास, नहीं तो तेरे रिश्तेदार और नहीं तेरा कोई दोस्त। जो तुम बोल रहे हो ना मेरे इतने सारे कूल डूड से, मेरे इतने फ्रेंड्स से, कोई तेरे साथ खड़ा नहीं रहेगा। और अगर उस टाइम में कोई तेरे साथ खड़ा रहे तो वो तेरा दोस्त है भाई, समझ लेना वो तेरा ही दोस्त है जो तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा जिंदगी भर। होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर रिगार्डिंग ट्रस्ट एंड ऑल। इफ नॉट देन यू कैन सी बिलो ए कमेंट बॉक्स, फिल इट, देन आई विल क्लियर इट। दैट्स इट। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय हिंद, जय जवान। Caught in the crossfire.